नमस्कार, चलिए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में आज मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां कम बारिश होगी, कहां ज्यादा, किस जिले में हवा की गति कितनी होगी और किन किन जिलों में तापमान कैसा रहने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले उन जिलों के बारे में जानेंगे जहां पर बहुत ही हल्की बारिश या यूं कहे कि घने बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावना बहुत ही कम है। वे जिले हैं दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर, चिरमिरी और सुकमा। इन जिलों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मध्यम वर्षा वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं बिलासपुर, कोरबा, बेमेतरा, कोरिया, कोंडागांव, मुंगेली, सूरजपुर, कांकेर, कवर्धा, अंबिकापुर, बलरामपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मानपुर, सक्ती और मनेन्द्रगढ़। इन सभी जिलों में मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताई गई है। भारी बारिश वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं रायपुर, बीजापुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, गरियाबंद, जसपुर, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा और सारंगढ़। इन सभी जिलों में भारी बारिश होगी तथा गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना अथवा कई जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। साफ मौसम वाले जिले की बात करें तो आज के डेट में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में मौसम साफ नहीं रहेगा क्योंकि हर जिले में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन रही है। तापमान की बात करें तो अधिक तापमान वाला जिला है सुकमा, जहां पर 31 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। न्यूनतम तापमान वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं अंबिकापुर और बलरामपुर, जहां पर 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। वही बाकी जिलों की बात करें तो 19 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाली है तापमान की मात्रा। हवा की गति की बात करें तो अधिक हवा चलने वाले जिले हैं बस्तर और कोंडागांव, जहां पर 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। न्यूनतम हवा वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं रायगढ़ और चिरमिरी, जहां पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। वही बाकी जिलों की बात करें तो 17 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो में आपके जिले की जानकारी नहीं मिल पाई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे आप तक हम आपके जिलों की जानकारी पहुँचा सकें।